अभी शाम के बज गए 6:30 और अभी डिस्कशन चल रहा है भाई सब्जी में क्या बनेगा आज। और सब्जी लेने भेज रखा चाचा को और उनका फोन आया, लौकी तो मिला नहीं, लौकी बरसात में टूट नहीं रही, ना तोरी मिली, तोरी भी नहीं मिली, तो सब्जी में बचा क्या? तोरी तारी कह रही थी प्रीति, तोरी तारी ले आओगे? मैं गया गायक है। तो भाई लौकी तोरी यहाँ मिली नहीं, अब देखेंगे सलाह करके, आज चटनी का ही प्रोग्राम है का कहीं, मिर्च मिलगी तो चटनी बना लूंगा और क्या। तो अभी देखते हैं भाई चाचा का हरी सब्जी, और चाचा बता रहे फोन पे भाई लाल सब्जी तो है यहाँ से, हरी नहीं है, मगर चलो लाल भी देख लियो पहले, कोशिश करो हरी की हो। तो अभी बारिश के चलते जैसे मंडी बंद रहे हैं, मंडी में सब्जियों की सप्लाई कम है, तो यहाँ पे भी सप्लाई कम ही हो रही और हरी सब्जी खाने का जुगाड़ लग नहीं रहा। वैसे भी गांव में ना शाम के टाइम खाने में चटनी वटनी चल जा, जैसे पुदीने की चटनी, मरवे की चटनी या एक आध हरी मिर्च की चटनी, कच्चे आम की भी चल रही, लेकिन कच्चे आम की चटनी बनाई नहीं इस सीजन में, लाई तो नहीं कच्चे आम, लाए बारिश भी होगी तो कल कह रहे थे लेकर आऊंगा। कच्चे और पक्के दोनों आम की चटनी बनाई हो, कल को लेकर आऊंगा, सवेरे निकलूंगा झोड़ा उठा के। रात में आंधी तूफान की आशंका है, वैसे भी टूट सके हैं और वैसे भी पकने लगी आम अब तो पक्के आम भी नहीं लाए हम उधर के मोटे मोटे आम ही खा रहे हुए बाहर के ही अभी महाराष्ट्र। इधर हमारे यहाँ का जो लोकल दशहरी आम है, दशहरी आम ज़्यादा हो गए वो लाए नहीं है, कल को लेकर अम्मा याद दिलवाइए मुझे। देखो पापा जी, आज आपको एक बात बताऊं, पहले मैंने गुड्डू दीदी को बैडमिंटन दे दिया कि खेल लगी हैं, फिर क्या हुआ उन्होंने बैडमिंटन ले लिया, उन्होंने बहुत देर खेला, आधा घंटा खेला मित भैया ने और गुड्डू दीदी ने, मैं खेल रही थी पहला मित भैया के साथ। अच्छा। फिर क्या हुआ, फिर आरुष ने बैडमिंटन ले लिया, आरुष ने कोक उस पर पहुँचा दी टीन पे, फिर मैंने गुड्डू दीदी से कोक मांगी कि मैं भी खेल लूँ, तो गुड्डू दीदी ने दी नहीं, मुझे खुद ही ढूंढनी पड़ी। मिल तो गई ना, मिल गई, अब खेलने वाला नहीं मिल रहा, अब खेलने वाला नहीं मिल रहा। देखो भाई चिंकी की दास्तान, इसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसका मुझे भी अफसोस है। दादी मेरे साथ बैडमिंटन खेल लो। वो बल्ला खेल के चकली वो कहाँ है वो पिताजी, वो भी नहीं खेल रहा कोई मेरे साथ, चश्मा हटा दे जो नहीं चश्मा हमको खराब कर देगा पिताजी, वो प्लास्टिक का है कुछ नहीं कर रहा, फैशन सब लगा हुआ है आजकल, नहीं फैशन नहीं वो वहाँ खराब कर देगा पिताजी, मुझे लगा ले दो ना। अच्छा आप मेरे साथ बैडमिंटन खेल लो, बैडमिंटन मेरे पे खेला जाएगा पिताजी, मैं सिखाऊंगी, नहीं सिखाने को तो कोई नहीं आ रहा, थोड़ा ही मुझे दिखने की नहीं, वो चिड़िया नहीं दिखने की मुझे, कहाँ आ रही हैं, नहीं आना थोड़ा ही अभी, और अड़ा है वो कहाँ है सिंह, गुड्डू गुड्डू तो नहीं खेलती मेरे साथ, और उसे खिला ले दो अंकित को, अंकित भैया को खेलना नहीं आता, कह रहे मैं नहीं खेलता। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 5 बज गए हैं, चाचा जी और गुड्डू के पापा शादी में से वापस आ चुके हैं, शादी अटेंड करके, तो इन्हें तो कहीं रास्ते में बारिश नहीं मिली, हो नहीं रही थी, मतलब यहीं हुआ एक दो अंगड़ा इनके जाने के बाद में, हमें फिक्र हो रही थी भाई दूसरे जोड़ी कपड़े बिन ले गई है, मग कभी रास्ते में भीग जाए। आरुषि आ गई, आधार कार्ड बनवा गया इसका, बना नहीं उसका, बन गया नंदनी का, बस होगी थोड़ी ही नाराज होगा, क्यों हुई थी वो नाराज, वो कहती चिज्जी दुआ दो, मैंने आम दुआ दिए, मगर ये आम कोई चिज्जी थोड़े हुए, चिज्जी में तो चिप्स और हुए आवे फ्रूटी, बताओ तो ठीक कहा पढ़ो सही कहा उसने भी। और इसी बीच में हमारे सब्सक्राइबर आ रहे थे, हम उस टाइम उनसे बात कर रहे थे, इसने उन्हें नमस्ते भी नहीं करी ना बोल ली, सहमी सहमी सी हो रही थी, पर हमें ये नहीं पता था इसका मूड खराब हो रहा चिज्जी के लिए, तो इसे चिज्जी की बजाय आम दुआ दिए, तो आम जो है ये चिज्जी में नहीं जोड़े जाते, ये फल में आम है, ये चिज्जी में नहीं जोड़े जाते, ये अलग से खाए जा। तो देखो जी, वो तो गुस्से में आ गया, फिर सोगी दरवाजा बंद करके, और इसकी नाराजगी दूर कर दी, इसे पिला दी एक छोटी सी फ्रूटी, और उसे फ्रूटी की बोतल को ऐसी जगह लगो जाइए अत्ती सारो बतावागा, नहीं तो घर तक कहने लगा हमने यो खाया वो खाया वो खाया, जो तन्ने बता दिया यहाँ से सामान लिख के जा रहा माँ, और इधर पैसे निकाल कर दे रही है हमारी माँ, क्योंकि अरविंद भैया बोलते हैं कि सारे पैसे हमारी माँ ले लाए हमारे, तो देख ले ऑन कैमरा कह रहे थे हम तो कमाना कमा कर लावे सारे पैसे अपनी माँ को दे दे, अरे नहीं हम देते ना तो हमारे पे तो सारे ले ले, एक रुपए का हिसाब ले, उधर बुढ़ाना सामान लेने गई थी उधर नहीं दिए थे, हाँ माँ दिए थे
धन्य हो सीमा सब। और जो इस तरह घर ना चलाती तो फिर घर से आगे कैसे बढ़ता, यही तो बात है। हाथ में बरकत है हम आगे, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। पर एक दिन मैं पूछ रही थी, कह रहे भाई ये 500 के तो नहीं बंद होने गए, क्या लगा क्यों अभी मेरे पास कुछ नोट दे रहे। 2000 वाला बंद हुआ, 2000 का नोट बंद हुआ, घर की लक्ष्मी है, इसके दोरे लक्ष्मी थम सके, हमारे जैसों के दोरे थमने की बात यह है सारी। छुपा कर रखो, अगर बता तो दू तम और जब कहीं काम पड़े देऊंगी। पहली बात तो माँ के संदूक बक्से सब हमी संगवाओ जावे, बताओ ताला नहीं कुंजी नहीं कहीं नहीं कुछ नहीं है, सब जीव जा झाड़ा झपटी करेंगे अपने आप पूरे। माँ तो कभी अपने बक्से में कपड़े भी रख दे। और मीनम और कोई सोचा है माँ के पास कुछ गहने हो या कुछ कुछ भी नहीं है, बस यही दो चार ये भी विधि है माँ को गिफ्ट में पहनने के नाम के, नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, पल्ला कुछ नहीं रख रखा। हाँ नहीं उसमें कपड़े की गांठ में बांध के पैसे। अरे नहीं उसमें हमारे ब्याह का वो बंद रहा, वो कंगना कंगना बंद रहा उसका तर में। अच्छा एक चीज हो रहा है, तब मैं घरवाली मिली ना, घरवाली मिली ना माँ मिली, जब पैसे डिब्बों में संदूकों में चावलों में सामने तो छुपा ही रखे होंगे। तेरी ऐसी है कहीं चावलों के डिब्बे में, कहीं दाल के डिब्बे में, कहीं ताली कहीं रखेंगी अपना ताला दे के, कहीं धरेंगी ताली, कोई चोटी में बंद देगी, कोई डूंगे में बंद देगी ताली। हमारे घर में तो ताली कोई लगा रखता। सही कह रही माँ, हमारे घर में तो किसी अलमारी की ताली। बाजी बाजी आदमी उसके नाड़े के बंद हो देखा मैंने ताली। हाँ सही कह रही माँ, इतने दिन तक तो बड़ी गई, वो अभी घर में सारे संगवाती धरती जो हमारा छल्ला थी कान का नाक का जैसा भी था उसके ही हाथ में था, बर्तन टिंडर संदूक में जो कर्तम कुरेड़े धरो, जिनको दी उसकी मर्जी आ जाती वही कुरेड़े थी झाड़ती वही रखती सारा। अरे बीजा तम भी कहा एक साल था, अरे देख ले मुझे क्या मतलब है, अपने धोए हुए कपड़े नए कपड़े तो मैं धरती ने अपने बक्से में। पर मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगे, जो पित्तल के बर्तन धर के ना माने तीन चार थाली वहाँ, तो वे आर उसको देंगे हम गिफ्ट में जब आरुष बड़ा हो जाएगा। और वो वाले वो लोग मैंने देख के लिख रखे कॉपी में, जिनमें उन्होंने कहे ये माँ के सोने के बर्तन है, पीतल वाले बर्तन, उसका पीला रंग सोना ही दिखा। हाँ पीतल वालों को सोने के ही गए, पीतल वाले बर्तनों को उन्होंने कहा सोने के बर्तन है माँ के। एक वो पिल्ला जब हम छोटे थे नहीं, तीनों भाई हो गए, थाली अलग थी पीतल की, कटोरी अलग थी, बाटी 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 और गिलास अलग थे तीनों के। जब हम शाम को खाना खा रहे थे तो अपने अपने बर्तन लेकर बैठ जा करते थे भाई। और बैठों के लगते पिंकी के नीरज के और मेरे असन कांस के गोल गोल से असन अच्छे कांस के दाब के वो घास जैसे वह गोल गोल बना रखे हैं। अब भी बना हुए बने रहे उनके तो शहरों में देखे मैंने रखे बाजार में अपने हाँ। अलग आसन थे ये कच्ची रसोई में ज्यादा धरे रहे हैं है ना, अलग आसन में अपने गिलास में पानी ले लेके बैठ जाते रोटी मांगे होती। चलो भाई सामान लिख दिया, कल है घर में सत्यनारायण भगवान की कथा, तो पूर्णिमा वाले दिन तो टाइम नहीं लगता पंडित जी का भी और फिर अरविंद भैया की भी चलने की तैयारी हो जाएगी, तो पूर्णिमा से पहले ही हम लोग सोच रहे अपने घर में ये कथा जो है पूजा करवा दें। एकादशी कब है पूछे जा रहा गूगल से, ये देखो बता दिया 29 तारीख की है। आम खाने का जोश, ये देखिए आम की शौकीन आम में लग गई है, और आज तो हमारे 4-5 किलो आम हो गए। गुड्डू के पापा लिया, अरविंद भैया लिया, सब्सक्राइबर लिया, आम ही आम खा रहे हैं, ये देखो सबसे ज़्यादा पसंद है। और अभी इसने जूस पिया था, अभी इसने आम का शेक बना के पिया था और ये फिर आम में बड्डा लगा दिया। लेकिन बेटा कपड़ों में मत लगा देना ठीक है, कपड़े फिर उतरता नहीं आम का दब्बा बिल्कुल भी। सुन पिताजी को भी देखा काट के जा छिलक तार के फाक बना के खा के, और पिताजी को देखा ये थोड़ी थोड़ी देर में मौसम ऐसा बदलता रहे, देखो कैसा था दोपहर पहले कितनी तेज बारिश हुई और फिर इतनी तेज धूप निकलेगी भाई, बहुत तेज धूप निकलेगी। और इन गमलों में भी पानी भर गया, इनका पानी भी रिताना पड़ेगा पर जाके, वैसे इन पौधों में तो बहुत ज़्यादा रास्ती आ गई और ये मनी प्लांट तो जल गई थी बिल्कुल, ये देखो कैसी हो गई थी।
लेकिन इसे भी सांस आ जाएगा। इसमें तो प्रॉपर बहुत ध्यान रख रहे थे हम। और इसमें जो घासे का पौधा है ना, इसका फूल बहुत बढ़िया खिला है। ये देखो कितनी बढ़िया पत्ती होगी बारिश होने की वजह से। पता नहीं पिलखंड से का है ये पेड़ा, कहीं का है। सुखसुंदर सी बता रहे थे, दिखे नहीं इन, पता लाए थे हम। तो बहुत सारे गेंदे के पौधे हैं इधर। उन वाले गमलों में तो रुकता नहीं पानी बिल्कुल भी, उनमें से तो पानी निकल जा। जो ये गमले हैं ना, इनमें छेद नहीं है और ना करी अब तक हमने, इनमें होल करने चाहते हैं हमें, नहीं तो पानी रुका इनमें और मिट्टी भी सारी ख़राब होगी इनकी, जो उपजाऊ मिट्टी थी। तो अभी धूप बहुत अच्छी निकल रही, ये देखो। और आसमान में बादल ऐसे हो रहे कुछ कुछ। अभी फ़ोन करूँगी आरुष और चिंकी, घर से आ जाएंगे वापस। और ये पत्थर चीता बस अब तो इसमें रह रहा है लास्ट, क्योंकि ऊपर जो अंडी में लगा हुआ था वो भी ख़त्म हो गया, और जो वहाँ लगा हुआ था दूसरे उसमें बाल्टी में वो भी ख़त्म हो गया। अब तो बस ये पौधा हो रहा बहुत बढ़िया। तो चलो जी अभी करते हैं फ़ोन और देखते हैं। आरुषि को कुछ लेने के लिए भेजा था मैंने, वह क्या कर रही, लावैक नहीं कुछ। ये देखो इसे तो मन्ने नु कहा था मगा, फोन देख ली तुमने वीडियो, फोन नहीं देख रही है। और ये तो डेस्कटॉप पे ये फोन नहीं देख रही। अच्छा फोन आज तो मना करा था, कंप्यूटर को थोड़ा ही करा था। जब तक आप शादी में से आए तब तक कोई सा भी बच्चा ऊपर नहीं फटका आ गया। व्यवहार की बात है, ये बच्चों के साथ कौन नरमी से पेश। अच्छा आप ज्यादा नरमाई खाओ है और आपके आते ही एकदम आ गई। बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोड़ देंगे, स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो अपने आप भी स्कूल चले जाया करेंगे। चलिए और बताइए शादी कैसी रही। बढ़िया रही शादी, ठीक रही। और रास्ते में बारिश बूंद कुछ नहीं आया, सफर जो है स्मूथ रहा एकदम। और चाचा जी भी जो है एक शादी में घूम आए और राइड करवा दे उन्हें अपने साथ में, काफी दिन हो गए थे अपने साथ में लेके चाचा। पूरे एक साल से ही हो गया जब हरिद्वार में आकर लाए थे आप, है ना। आज गए उस दिन से, उसके बाद में आज गए तो जा तो रहे नहीं थे। एट ए टाइम बुलाया चाचा जी को, मगर चलो घास पानी तो होता रहेगा, यहाँ पशुओं का चारा इसमें लगा रहोगे क्या, आओ चलो घूम भी आओ, लोगों से मिलते रहा करो, जीवन है ये, पता कुछ नहीं है कब बुलावा जा। सही बात है, या नहीं तो मिलते जुलते रहना ही चाहिए रिश्तेदारों से, पुराने परिवारों से, इसलिए ले गया था चाचा जी को। तो जी बच्चे जैसा कि ऊपर नहीं आ रहे थे, मैं भी महसूस कर रही थी कि भाई अपने पापा के बिना ये भी ऊपर नहीं आए। और इब जब बस पूजा को फोन कर दो ना, कोई सा छोड़ जाएगा, आगे होंगे मैं घर, पूजा के लिए रहा ना। चिंकी जा रही, आरुष जा रहा हूँ। हाँ कर दो फोन, आ जाएंगे मैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।